आज 11 जुलाई है और दुनिया भर में हर साल 11 जुलाई के दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ये दिवस बाकी दिवस से काफ़ी खास होता है क्योंकि ये दिन तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या और उनसे जुड़ी चुनौतियों के बारे में लोगों को जागरूक करता है। इस दिन की शुरुआत 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने की थी। पहला जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 1990 को मनाया गया था। इसी को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर मैगजीन में बदलती डेमोग्राफी को लेकर जनसंख्या नियंत्रण के लिए पॉलिसी की मांग की है। इस मांग पर अब भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भी बयान आ गया है। गिरिराज सिंह का कहना है कि अगर चीन वन चाइल्ड पॉलिसी ना लाया होता तो वहां की जनसंख्या अनियंत्रित हो जाती। इसी के साथ गिरिराज सिंह ने भारत में भी ऐसी ही किसी नीति की वकालत की है। उन्होंने कहा, हमें भी ऐसे ही कानून की आवश्यकता है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पर सब पर समान रूप से लागू हो। गिरिराज सिंह ने जनसंख्या नियंत्रण की नीति को लेकर बात करते हुए आगे कहा कि जो कानून की उपेक्षा करे उसका वोटिंग का अधिकार छीन लिया जाए और सरकारी योजनाओं का कोई लाभ भी उसे ना दिया जाए। भारत आज विश्व के 20वां भाग जनसंख्या है और हमारे पास आंकड़े के मुताबिक 0.12 हेक्टर प्रति व्यक्ति जमीन है और पानी 2.5% है, तो संसाधन सीमित है। ऐसी स्थिति में अब आ गया है सड़क से लेके संसद तक इस पर चर्चा करने के की ज़रूरत है, क्योंकि टुकड़े टुकड़े गैंग को ये वोट बैंक की राजनीति में ठीक नहीं लगेगा, लेकिन देश हित के लिए आज जरूरी है एक कड़ा कानून लाने के लिए। ऐसा कड़ा कानून कि जो ना माने उसकी वोटिंग राइट समाप्त कर दिया जाए, उसे सरकारी योजनाओं से लाभ से वंचित कर दिया जाए, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। दरअसल हाल ही में आरएसएस से जुड़ी एक मैगजीन ऑर्गेनाइजर ने एक लेख छापा था जिसमें बदलती जनसंख्या की यानी डेमोग्राफी को लेकर देश में एक जनसंख्या नियंत्रण पॉलिसी बनाए जाने की मांग की गई थी। इस लेख में देश के कुछ इलाकों में मुस्लिम आबादी के बढ़ने के साथ ही डेमोग्राफी में बदलाव का दावा किया गया था। इसी के साथ मैगजीन में क्षेत्रीय असंतुलन पर चिंता जताते हुए राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण नीति की जरूरत का मुद्दा उठाया गया था। लेख के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या स्थिर है, लेकिन कई क्षेत्रों में और धर्मों में भी ये समान नहीं है। मैगजीन में छपे लेख के मुताबिक कुछ सीमावर्ती जिलों में मुस्लिम आबादी में बड़ी बढ़त देखने को मिली है। अप्राकृतिक तरीके से जनसंख्या वृद्धि की बात करते हुए लेख में पश्चिम बंगाल, असम, बिहार और उत्तराखंड जैसे सीमावर्ती राज्यों का उदाहरण भी दिया गया है जहां अवैध विस्थापन के चलते यह बदलाव होने की बात कही गई है। लेख में कहा गया कि जब लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व करने के लिए संख्या महत्वपूर्ण हो जाती है तो जनसंख्यिकी से भाग्य का फैसला होने लगता है, तो हमें इसकी प्रवृत्ति के प्रति ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है।